नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए एक युति बन रही है, गुरु की युति, मंगल की युति। गुरु मंगल दोनों वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वृषभ राशि में इन दोनों की युति आपको क्या फल देगी तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए। वीडियो आरम्भ करें इसके पहले आपसे विनम्र अनुरोध, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। वीडियो टू द पॉइंट, आपको देखने में अच्छा लगेगा, समझने में भी आसानी होगी। देखो, गुरु आपके कुंडली में विपरीत राशि योग कन्वर्ट करने वाले हैं। गुरु आपके बर्थ चार्ट पे जो तृतीय के स्वामी और अष्टम के स्वामी, छठवें के स्वामी हैं, और जा कहाँ रहे हैं, अष्टम भाव में हैं, अष्टम भाव में हैं। मंगल महाराज आपके केंद्र के स्वामी और द्वादश के स्वामी हैं, तो दो तरह से युतियाँ बनेंगी, आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा अत्यंत शुभ चल रही है, तब आपके कुंडली में गोचरी विपरीत राज योग बनेगा। विपरीत राज योग वो राज योग है जो अचानक आपको तीन गुना लाभ दे सकता है, मतलब 1000 रुपये कमा रहे तो 3000 कमा सकते हो, उस बीच में 50000 कमा रहे तो 1.5 लाख कमा सकते हो। इसका नाम है विपरीत राजयोग, विपरीत परिस्थितियों में जाके क्रिएट होता है। पुलिस आपको बार बार परेशान करती है, आप कुछ बड़ा काम करते हैं, धीरे में डान बन जाते हैं, पुलिस आपके पीछे चलना शुरू करती है, जो या राजनेता बन जाते हैं, चुनाव लड़ जाते हैं, पुलिस आपको खोज रही थी और पुलिस आपके साथ साथ चलती है, ऐसे ही कुछ विपरीत राजयोग बनता है। तो गुरु महाराज आपके पराक्रम के स्वामी हैं, गुरु महाराज आपके ऋण रोग परेशानी शत्रुता और प्रतिस्पर्धा के स्वामी हैं, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि इसमें प्रतिस्पर्धा में आप अवजित रहेंगे, मतलब आपको कोई जीत वूत नहीं पाएगा। तो आपको वनडे परीक्षा या कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस एग्ज़ाम में सफल होने के चांसेस हैं। कोई कोर्ट से मुकदमाबाजी है, कहीं पर इस तरह की संघर्ष की स्थिति है, तो इस समय चूँकि गुरु अष्टम भाव में है, अष्टम भाव क्या होता है, मृत्यु का होता है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट दे देंगे किसको, शत्रु को, ऋण को, रोग को, परेशानी को, तो यहाँ पे ये परेशानी आपकी खत्म होती दिखाई दे रही हैं। मंगल महाराज आपके बर्थ चार्ट पे, मंगल महाराज आपके बर्थ चार्ट पे द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो ये सप्तम दृष्टि धन भाव पे रख रहे हैं। अब धन भाव पे जब सप्तम दृष्टि रखेंगे तो धन की होगी वृद्धि, नो डाउट, लेकिन ससुराल वालों से संबंध थोड़ा सा बेहतर रखिएगा। जीवन साथी के वाणी इस समय थोड़ी सी वीणा ना हो कि वाण जैसी बन सकती है। कभी कभी होता है कि हम बहुत अच्छे होते हैं लेकिन ग्रहों के प्रभाव की वजह से, क्योंकि हम आप तो हैं एक मोबाइल जैसे ही, जैसे नेटवर्क आएगा वैसे रिएक्ट करते हैं। हम कह देते हैं ना फला व्यक्ति बहुत मुंहफट है या बहुत गुस्सा आता है, आप देखिए उसके लग्न में कहीं ना कहीं सूर्य मंगल की युति, सूर्य मंगल बैठे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, तब उसको गुस्सा आ रहा है। सेकेंड हाउस में कोई पापक ग्रह बैठा है तो उसकी मुंहफट हो जाता है, ऐसे मुंहफट नहीं होगा। तो हम आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि परमात्मा ने हमें आपको बनाया है, लेकिन ग्रहों की रेज हमें जो है कंदुक की तरह घुमाती रहती है, इसलिए यहाँ पे जो असर पड़ेगा ग्रहों की वजह से पड़ेगा। तो मंगल गुरु की युति साहस में वृद्धि करने वाली है, कर्म क्षेत्र में आपको हर तरह से लाभ देने वाली है, धन के मामले में वृद्धि योग है, लेकिन पॉइंट क्या आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं, यही पॉइंट आ रहा है, सब्सक्राइब करते हुए चलिए। जो लोग, गुरु का मतलब होता है सपोर्ट करने वाला, गुरु का मतलब भला करने वाला, और भला का उल्टा होता है लाभ, भला लाभ। आपको अपने मैक्सिमम काम इस टाइम गुप्त रूप से करने हैं, आप काम कर रहे हैं किसी को मत बताओ मेरे भाई कि मैं ये काम कर रहा हूँ, सफलता शोर मचा देगी। इस दुनिया में माता पिता के अलावा किसी को अच्छा नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करो, ठीक है, सिर्फ एक वही दो लोग होते हैं, इसलिए अपनी सफलताओं का ढिंढोरा आप मत पीटो, आपके कर्म आपकी सफलताएं ढिंढोरा स्वतः पीट देंगे। मंगल महाराज को ठीक रखने के लिए, क्योंकि जीवन साथी अष्टम भाव में जा रहा है, तो जीवन साथी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी थोड़ी सी, ठीक है, तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर ना हो इसके लिए कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाहीं। श्रावण मास आ रहा है, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अभिषेक जरूर करिएगा कुसा के जल से, नारायण या भगवान शिव सदाशिव आपका सदा कल्याण करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे।